गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी में दिखाया गया अंडरवर्ल्ड का सबसे पहला डॉन करीम लाला आखिर कौन था? तो आइए जानते हैं। अफगानिस्तान के कुनार शहर में जन्मा अब्दुल करीम शेर खान 21 साल की उम्र में पैसे कमाने के लिए भारत आया था। लाला ने मुंबई में आने के बाद अपना एक बिजनेस खोला, लेकिन ये बिजनेस नाम का ही था। असल में वो बिजनेस की आड़ में हीरो की तस्करी करता था और इस तस्करी से लाला ने इतने पैसे कमा लिए थे कि उसने 40 के दशक के आने तक अपने खुद के शराब और जुए के अड्डे तक खोल लिए थे। करीम लाला की एक बहुत बड़ी गैंग बन चुकी थी जिसे पठान गैंग कहा जाता था। उसी वक्त उधर वरदा राजन मुरली और हाजी मस्तान ने भी काले धंधों में अपने पैर जमा लिए थे। तीनों ने हाथ मिला लिया और बंबई में राज करने लगे थे, लेकिन समय कभी एक सा नहीं रहता, समय बदला और इस काला बाजारी में एंट्री हुई दाऊद इब्राहिम कास्कर की। करीम लाला और दाऊद की कभी नहीं जमी, दोनों के बीच काफी गैंग वार हुए। इसके बाद करीम लाला का दौर खत्म हो गया। 90 के दशक के बाद लाला ने सभी धंधे बंद कर दिए और तब वो दो होटल और एक पासपोर्ट एजेंसी संभाल रहा था। फिर 2002 में नमाज पढ़ते हुए लाला सजदे में गया और फिर वहाँ से कभी नहीं उठा।